मैं इसको स्क्रैच करता हूँ, ठीक है, देखते हैं इसमें कितना कोड निकलता है। यह है पास पास कंपनी की पल्स ट्रॉफी, जिसका पूरा एक जार में लेकर के आया हूं अपने दुकान पर बेचने के लिए। लेकिन भाई आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ये जो पल्स ट्रॉफी का एक जार है, इसके अंदर ये जो आप कूपन देख सकते हो, ये कूपन से एक दुकानदार का क्या प्रॉफिट होगा। इसमें बताया जा रहा है कि आपको 10 रुपए से लेकर 500 या 100 रुपए तक का कुछ कैशबैक देखने को मिलेगा। पल्स ट्रॉफी के अंदर निकलने वाले ये इस स्क्रैच कार्ड से आप पैसा कैसे निकालोगे, सभी चीजों की जानकारी आपको आज के वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। और भाई अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो हो सकता है कि इस तरीके की वीडियो आपको दोबारा देखने को ही ना मिले। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो ये पल्स का स्क्रैच एंड विन वाला कार्ड, कूपन कार्ड जैसे कि बोल सकते हैं। और भाई इसमें सबसे पहले इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद ये यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो इसे भी स्क्रैच करेंगे। स्क्रैच करने के बाद यहाँ पे जो कोड दिया गया है इसे हम यहाँ पे स्कैन करने के बाद जो भी चीज मांगेगा उसमें फिल करेंगे। तो अभी देखते हैं कि क्या इसमें हमें 10 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच में कितने रुपए तक का कैशबैक मिलता है। तो अभी मैं आप ही के सामने करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना फोन अनलॉक कर लेता हूँ। अनलॉक पे सबसे पहले गूगल ओपन करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो गूगल यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कैमरा वाले आइकन पर क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे अभी कैमरा लेंस वाले पे क्लिक करता हूँ, सर्च विद कैमरा। उसके बाद मैं इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करते हैं, देखते हैं किस कौन सी वेबसाइट पे ओपन होता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक लिंक निकल करके आ गई है, जिस लिंक पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल मांग रहा है, तो वाउचर कोड यानी कि भाई जो ये कोड है ये स्क्रैच करके अभी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइपिंग वाला निशान लगा दिया। अब यहाँ पे मैं इसको स्क्रैच करता हूँ, ठीक है, देखते हैं इसमें कितना कोड निकलता है। तो भाई ये मैं आप ही के सामने यहाँ पे स्क्रैच कर दिया हूँ, ठीक है, अभी आपने देखा। भाई जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो ये वाला कूपन कोड का ये जो रजिस्ट्रेशन कोड था ये मैंने सबसे ऊपर में फिल कर दिया। मैंने यहाँ पे नाम फिल कर दिया, यहाँ पे ईमेल और यहाँ पे मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होता है, तो मैंने यहाँ पे अपना स्टेट भी सेलेक्ट कर दिया है। और जो मेरा जिला होगा उसे भी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे सक्सेस वाले राइट निशान बन के आ गया। ये दोनों ऑप्शन पे भी आपको राइट टिक करना होता है। टिक करने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मैंने जो नंबर उस समय वहाँ पे दिया हुआ था ना, उस नंबर पे एक ओटीपी आया होगा, जैसे कि भाई जैसे कि आप देख सकते हो ओटीपी यहाँ पे आ गया है। इसी ओटीपी को मुझे यहाँ पे डालना है। तो भाई ओटीपी डालने के बाद मैंने यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखो भाई यहाँ पे पूछ रहा है एंटर यूपीआई विन, यानी कि भाई मेरी जो यूपीआई है यानी कि जिससे कि मैं पेटीएम मतलब यूपीआई यूज करता हूँ, कोई भी प्लेटफॉर्म जैसे कि फोन पे गूगल पे और भी कई सारे हैं, तो वो यूपीआई आईडी को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अबाउट टू रिडीम 20 कैशबैक वाला, तो भाई मैंने यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी दे दी है। उसके बाद पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिख करके आया है थैंक यू योर कैशबैक विल बी क्रेडिट विद इन 24 to 48 बिजनेस आवर्स, यानी कि भाई 24 से 48 घंटे में हमारे अकाउंट पर जो है वो जो 20 रुपए का कैशबैक मैंने जीता हुआ था वो मेरे अकाउंट पर क्रेडिट कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि आप पल्स स्क्रैच कूपन कार्ड से पैसा कैसे निकालना है ये आप सीख गए होंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।